एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अदा इज़ हियर एंड मामा इज़ आल्सो हियर। सो आज है मामा का छुट्टी बिकॉज आज है जन्माष्टमी। सो हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल। तो अभी हम लोग आए, अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मामा? वो तो पता चलेगा पूरी ब्लॉग देखने पर। क्या पता चलेगा, बस थोड़ी दूर पर हम लोग आ चुके हैं। एंड या आप लोग पूरा ब्लॉग देखो, अगर ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। एंड ये बहुत ही शॉर्ट ब्लॉग मैं बना रही हूँ, मतलब बिल्कुल छोटा। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ आई हूँ, तो फिर मैं बता देती हूँ। मैं आई हूँ सैलून, मुझे अपना हेयर कट कराना था। एंड एट दिस टाइम आरजू सर मुझे बता रहे थे कि ये वाला हेयर कट करवाना है, ये वाला। तो बहुत देर तक डिस्कशन चली इस बात पर। और आप लोगों को पता ही, अदा को तो अपनी ही चीज़ चलानी होती है। वो इतना अच्छा सा कट बता रहे थे, बट नहीं, मेरी मैम ऐसा बोलेंगी, मेरी मिस ऐसा बोलेंगी, तो देन तो उसमें कुछ प्रॉब्लम था, दैट्स व्हाई मैंने वो नहीं करवाया। एंड यहाँ पर मेरा इतना बड़ा बाल कट गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे क्या होता है हर साल जाकर। बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए थे, वो भी था। मुझे अपना लुक भी चेंज करना था। एंड आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इसे क्या होता है हर साल जाकर अपना बाल कटवा लेती। मुझे खुद बहुत बुरा लगता है, बट क्या करें, कराना पड़ता है। एंड बहुत ही अच्छा ट्रीट किया उन्होंने, बहुत। आप देखिए वो हर जगह क्लिप लगा हुआ है, एक एक करके, मतलब लेयर्स बाई लेयर हमारा हेयर कट हुआ। एंड मैं तो उतना आप लोगों को नहीं दिखा पाई बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो मैंने टाइम लैप्स कर दिया है। आप लोग देखो, एंड यहाँ पर मेरा हेयर कट हो गया था, अब इसे सेट करेंगे वो। जब मेरा हेयर कट हुआ तो मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था कि हाँ ठीक है। सो ये है मेरा न्यू हेयर कट एंड इट लुक सो प्रेटी। बहुत ही अच्छा हेयर कट मुझे मिला। मेरा हेयर कट मामा को इतना पसंद आया कि मामा अपना भी करा रही हैं, कोई दूसरा हेयर कट इतना छोटा तो मामा नहीं कराएंगी। एंड बहुत ही प्यारा हेयर कट किया है। ये पार्लर खीरू चौक में है एंड द पार्लर नेम इज मेकओवर। सो या हम दोनों का मेकओवर हो गया मेकओवर में जाके। एंड या माय हेयर इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया। यस, मतलब बहुत दिनों के बाद ऐसा होता है ना कि मैंने पिछली बार भी कटाया था बट मुझे वो तब ये वाली फीलिंग नहीं आई। हाँ, ये वाली फीलिंग नहीं आई थी, बट नाउ आई एम लुकिंग रियली गुड, ऐसा मुझे लग रहा है। पता नहीं आप लोगों को मैं कैसे लग रही हूँ। सो अभी करेंटली मामा कितना हो रहा है? ओ माय गॉड, इट्स 2 o'clock एंड मुझे बहुत ज़्यादा जोरों की भूख लग गई है मामा। चलो चलते हैं, पानी पूरी खाते हैं। तो जब मैं मतलब बाल कटा के गई घर, मैंने मामा को बोला था पानी पूरी के लिए, बट मामा ने नहीं खिलाया। बहुत धूप था एंड ज़्यादा ही, मतलब हम लोग बहुत टायर्ड हो चुके थे, तो दैट्स व्हाई हम लोग घर चले गए थे। फिर अभी हम लोग जा रहे हैं सिपाही टोला नानी से मिलने के लिए, तो इसीलिए अभी हम लोग पानी पूरी भी खाएंगे एंड हमारे साथ साहिल मामा भी है। तो चल हेयर एट पानी पूरी स्टॉल, तो अभी हम लोग खाते हैं जल्दी से। एंड मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है आप लोगों को? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। पानी पूरी इज लाइक पानी पूरी।
ही हो गया लेकिन सब इधर स्टाइल है मेरा तो सही स्टाइल आसिफ का भी स्टाइल ओके एवरीवन सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड वहाँ जाकर मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ व्लॉगिंग करना एंड या तो ये था छोटा सा व्लॉग होप कि आपको पसंद आए एंड मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय टेक केयर.